हमें गर्व महसूस होता है कि हम उत्तराखंड से हैं और पहाड़ों से हैं करके। तो फाइनली इसमें हमने ना बिरूड भिगा भी दिए हैं। मिर्च का ना इतना बड़ा साइज देख के आप लोग सोच रहे होंगे ना ये अचार की मिर्च है। तो गाइस जैसे कि भादों का महीना लग गया है, खेतों में जो भी अनाज बो रखे थे ना सबके सब प्रोसेस, ये मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो लोग कहते हैं कि गांव के लोग गवार है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरी एक नई वीडियो में। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार और पहला। तो गाइज आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग के 8 बजे से, और अभी इस टाइम ना अभी जा रहा है स्कूल की तरफ। आज अभी जा रहा है कुछ इस तरह के लुक में क्योंकि आज स्कूल में जन्माष्टमी मना रहे हैं। बाय बोल दादा से। हमारे उत्तराखंड में एक त्योहार होता है जिसको ना बिरूड़ी बोलते हैं। तो आज के दिन चना गेहूं भिगाया जाता है, वो भी तांबे के बर्तन में दूर्वा के साथ, उसमें टीका भी लगाया जाता है। तो ये भी हमारे उत्तराखंड की एक परंपरा है। तो बिरूड़ी भिगाने के लिए यहाँ पे मैं लेके आ गई हूँ घर के गेहूं। तो थोड़ी बहुत गेहूं भी भिगाते हैं और थोड़ी बहुत इसमें चने डालते हैं। तो फाइनली इसमें हमने ना बिरूड़ भिगा भी दिए हैं। गेहूं और चने ना बहुत कम मात्रा में भिगा रखे हैं क्योंकि ना थोड़ी बहुत स्मेल भी आ जाती है जब ज्यादा दिन तक भीगे रहते हैं। तो थोड़ी बहुत चने फिर भिगाएंगे खाने के लिए। तो अभी इतना ही, मतलब भगवान जी को चढ़ने के लिए इतने ही भिगा रखे हैं। चने और गेहूं को ना वैसे तांबे के बर्तन में भिगाया जाता है, लेकिन यहाँ पे ना हमने एक चीनी मिट्टी का कटोरा ले रखा है और बहुत ही कम मात्रा में इनको भिगा रखा है। आजकल हमारा गुन्नू भी ना सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लग गया है, इतनी स्पीड में आ रहा है। अभी कहाँ जाना है ऊपर है? का थोड़ा बहुत काम निपटाने के बाद मैं जाने लगी हूँ खेत की तरफ। आज ना खेत से थोड़ी बहुत घास काट के लाती हूँ, और उसी खेत में ना मिर्ची भी है। तो मिर्ची भी अगर पकी होगी तो मिर्ची भी तोड़ के लाऊंगी। वैसे घर का इतना सारा काम हो जाता है ना, आप जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है, तो मतलब फुर्सत ही नहीं मिलती है। तो आज मैं सुबह ही जा रही हूँ, कल मैंने घास नहीं काटी, कल गोबर निकाला मैंने और बारिश आ गई थी तो गीली घास नहीं खाते हैं। अभी घास भी काट के लाती हूँ और मिर्ची भी तोड़ के लाती हूँ। और कल और परसों सातों आठों का मेला भी लगेगा। बीच रास्ते में एक बिल्ली सो रखी है, पता नहीं किसकी बिल्ली है, छोटी छोटी काली काली। अब भादों का महीना स्टार्ट हो गया है तो लोग ना घास भी सुखाने लग गए हैं। ये देखिए जो घास नहीं खाते हैं ना जानवर, उसको सुखा दे रहे हैं। जितनी बार जाती हूँ ना ये फल मुझे रोज ललचाते हैं। आज मैं थोड़ी बहुत फल ना तोड़ के खा ही लेती हूँ, खट्टे और मीठे होते हैं ये, तो आज ना इनको खा ही लेती हूँ वाकई में, क्योंकि ना बहुत ललचा रही है मुझे ऊपर नीचे जाते वक्त। रास्ते के किनारे ही किनारे से हैं ये। तो गाइस फाइनली मैं पहुंच गई हूँ यहाँ पे खेत में, और आज से जैसे कि हम लोगों ने बिरूड़ी भिगाए ना, सातों आठों का मेला भी लगता है। अगर कहीं मेले में जाएंगे तो शायद मेले में जा भी सकते हैं, मेला लगता है यहाँ पे, तो मेले की वीडियो भी आप सभी लोगों के सामने लाऊंगी। सातों आठों का ना बहुत अच्छा मेला लगता है। जिस दिन से बिरूड़ी डालते हैं उस दिन से ना गवारे भी बनाए जाते हैं। गवारों में ना भगवान भोलेनाथ जी की मूर्ति बनाते हैं और मैया गौरा की भी मूर्ति बनाते हैं। तो उनकी ना मतलब 3-4 दिन तक पूजा पाठ करते हैं। शाम के टाइम रोज जाते हैं गाँव वाले, एक जो एकजुट होते हैं और वहाँ पे भजन कीर्तन करते हैं, धूमधाम से भगवान जी को भोग लगाते हैं, नहा धो के व्रत करते हैं। तो ये गवारे ना आज शनिवार है करके आज नहीं बनाए, कल को इतवार के दिन ना गवारे भी बनाएंगे। अगर मुझे टाइम होगा तो ना मैं चाची लोगों के वहाँ पे जाके कैसे गवारे बनाते हैं करके वो वीडियो भी जल्दी लाऊंगी। वैसे तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि कैसे गवारे बनाते हैं, किस प्रकार से पूजा की जाती है। डेली ब्लॉग जो लोग बनाते हैं उनका तो कर्तव्य ही बनता है, डेली रूटीन जो भी होता है सब कुछ डालने का। तो गवारे शाम शाम के टाइम मनाए जाएंगे। शाम शाम के टाइम मतलब घास घास काट के 4 बजे के बाद, 4 बजे से 6:30 बजे 7 बजे तक कीर्तन भजन होंगे और सभी गांव की महिलाएं एकजुट होती हैं और धूमधाम से कीर्तन भजन करते हैं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को मनाते हैं, उनको भोग लगाते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। सभी लोग अपने घरों से फूल ले जाते हैं, फल ले जाते हैं और वहाँ पर उनके चरणों में चढ़ाते हैं। ये भी एक हमारे उत्तराखंड की परंपरा है।
पके वाले मिर्चों को ना फटाफट से तोड़ लेती हूँ, क्योंकि जो मिर्च पक रखे होते हैं ना उनको ना छिटौ भी खा देते हैं। छिटौ को मिर्च बहुत पसंद होती है ना, तो इनको ना फटाफट से तोड़ लेती हूँ। देखिए कोई कोई मिर्च ना आधे आधे खा रखी है, पेड़ पे ही है और आधे आधे खा रखी है। यहाँ पे मैंने ना ये घास ले जाने वाली चुन्नी बिछा दी है। मिर्च का ना इतना बड़ा साइज देख के आप लोग सोच रहे होंगे ना ये अचार की मिर्च है, ऐसा कुछ नहीं है, अचार वाली मिर्च नहीं है, ये बहुत तीखी है। कोई मिर्च ना छोटी छोटी होती है, बहुत तेज होती है, और कोई बहुत बड़ी होती है, ज़्यादा तेज नहीं होती है, मतलब ज़्यादा तीखी नहीं होती है। तो ये बड़ी भी है और बहुत तेज भी है, तीखी भी है। मतलब आज मैं यहाँ से मिर्ची के साथ साथ ना ये ककड़ियाँ भी तोड़ के ले जाऊंगी। तो आज मेरे को ना यहाँ पे फिर से चार पांच खीरे मिल गए हैं। वैसे लोग बोलते हैं ना गांव के लोग गवार होते हैं, मेरे से ऐसा किसी ने नहीं कहा। एक बात रख रही हूँ मैं आप सभी लोगों के सामने, गांव के लोग गवार होते हैं, उनको कुछ नहीं आता है। शहर के लोग बहुत अच्छे, हर चीज़ में परफेक्ट होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आजकल की डेट में ना गाँव में भी हर सुविधाएँ, हर फैसिलिटी हो गई है। और गाँव में ना मतलब जैसे कि हमारा उत्तराखंड है, उत्तराखंड तो मतलब क्या ही कहूँ, मतलब प्रकृति की गोद में समाया हुआ यहाँ का हर एक गांव है, देवों की भूमि है ये। इतने तीज त्योहार होते हैं, भगवान जी की पूजा होती है, इतने अच्छे अच्छे मतलब हर गांव में मंदिर हैं, हर 8-10 किलोमीटर की दूरी पे फिर से पहाड़ों पे मंदिर है, कहीं पे माता रानी का मंदिर है तो कहीं पे शिव जी का मंदिर है, कहीं पे किसी भगवान जी का मंदिर है तो कहीं पे किसी भगवान जी का मंदिर है। तो उन भगवान जी की भी हम लोग दर्शन कर लेते हैं उत्तराखंड वाले। और लोग कहते हैं गांव के लोग गवार, ऐसा कुछ नहीं है मेरी नज़र में, होने को मेरे से ऐसा तो किसी ने नहीं कहा। कह रही हूँ मैं एक बात, गांव में आजकल शहरों की जैसी फैसिलिटी हो गई है, और स्कूल भी इंग्लिश मीडियम वाले हो गए हैं। पहले के ज़माने से होते थे कि गांव में सुविधाएं नहीं होती थी और स्कूल इंग्लिश मीडियम वाले नहीं होते थे, लोग पलायन करके बाहर की तरफ स्कूल पढ़ाने के लिए अपने बच्चों को चले जाते थे, अपने घरों को छोड़ के, इतने अच्छे अच्छे घरों को छोड़ के। लेकिन अब हमें कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हमारे गांवों में हर जगहों पे, हर एक क्षेत्र में एक एक इंग्लिश मीडियम स्कूल तो है ही है। मेरा कहने का यही मतलब है कि जैसे कि हम इतने यहाँ पे नेचुरल चीज़ें खाते हैं, एकदम से नेचुरल, केमिकल युक्त तो कुछ भी नहीं है। मतलब सब कुछ, दाल, अदरक, मिर्च, हल्दी, धनिया और A to Z, मडवे की रोटी, कौनी, जौ की रोटी, पहले के ज़माने से खाते थे कौनी और जौ की रोटी, उनमें ना बहुत ताकत होती थी। और गेहूं तो बोते ही हैं, धान अलग अलग प्रकार के, अलग अलग खुशबुएं आती हैं उनमें से। मतलब क्या नहीं है जो हमारे उत्तराखंड में, हमारे गांवों में, हमारे खेतों में नहीं उपजता है। सब फैसिलिटी सरकार ने गाँव में भी दे दी है, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल खोल दिए हैं और अच्छे अच्छे स्कूल खोल दिए हैं, और हर चीज़ नेचुरल यहाँ पर खाने को मिलता है। और भगवान जी के अच्छे खासे हमारे उत्तराखंड में देव की भूमि दर्शन हो जाते हैं, और इधर उधर घूम घाम के हम लोग इंजॉय करते हैं। एकजुट होके ना पहाड़ों में मतलब कुछ भी काम हो तो एकजुट होके करते हैं। सब होशियार है आजकल, सब पढ़े लिखे हैं, और हर गांव में हर एक फैसिलिटी मौजूद है, और अच्छी खासी अपनी जीवन व्यतीत कर रहे हैं हम लोग अपने गाँवों में। और किसी ने गाय बांध रखी है तो किसी ने भैंस बांध रखे हैं। दूध भी मिलावट वाला आता है मार्केटों में, शहरों में, और केमिकल युक्त आता है हर कुछ चीज़ें। साग सब्जी देख लो आप लोग, पॉली हाउस में पैदा करते हैं, पता नहीं कितने प्रकार की उसमें दवाइयाँ स्प्रे वगैरह करते हैं, उसके बाद फूल फूल के इतने बड़े, जैसे कि शिमला मिर्च हो, कुछ भी हो ना, तो सभी मेरे हिसाब से ना केमिकल वाले ही होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे उत्तराखंड के गाँवों में ना ऐसा केमिकल युक्त कुछ भी नहीं है। गाँव में बहुत अच्छा जीवन यापन होता है करने वाले के लिए और रहने वाले के लिए। बाकी
अब जो लोग गांवों से बाहर को पलायन कर रहे हैं उनकी भी अपनी मजबूरी है, जैसे कि बच्चे इंटर पास कर लेते हैं तो इंटर के बाद कोई कुछ कराना चाहता है, जैसे कि कोई कुछ कोर्स कराना चाहता है, एक मजबूरी हो जाती है। बाहर बच्चों को अकेले कैसे भेजें, हम भी जाएं उनके साथ, और क्या कहते हैं, अकेले बच्चे इतना कुछ मैनेज कैसे करेंगे, पढ़ाई भी खाना भी। इस तरह से जो भी पलायन हो रहा है इसी तरह से हो रहा है, वरना हमारा उत्तराखंड ना एक स्वर्ग समान है। कि आप सभी लोगों को पता है पहाड़ों में कितना सुकून मिलता है, जब गर्मियों की छुट्टी होती है ना तब बाहर के लोग भी ना पहाड़ों की तरफ घूमने के लिए आते हैं, बहुत सुकून मिलता है पहाड़ों में, हमें प्राउड फील होता है कि हम पहाड़ से हैं करके। हर चीज यहाँ का नेचुरल, पानी भी ठंडा रहता है बारह मास, हवा आती है हर बार सुबह शाम। बाहर के लोग ना गर्मियों में पहाड़ों में टाइम बिताने के लिए, छुट्टियां बिताने के लिए आते हैं। चलिए जी फटाफट से ना ये वाला घास काट लेती हूँ, ये वाली घास आज काटनी है मेरे को, तो दो चार पुए इस घास के बनाती हूँ, फिर मिलती हूँ आप सभी लोगों को। पर्वतों की ठंडी हवाएं सांसों में बस जाएं, हाय रे सांसों में बस जाएं, वादियों में फूल खिले जो खुशबू ये महकाए, हाय रे खुशबू ये महकाए, झर झर झरने गीत सुनाए, उत्तराखंड की बात बताए, ओ परदेसी लौट के आना, मुल्क ये मेरा तुझको बुलाए। तो गाइस जैसे कि भादों का महीना लग गया है, खेतों में जो भी अनाज बो रखी थे ना सब के सब प्रोसेस हो गए हैं, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कौनी कौनी भी प्रोसेस हो गई है, मड़ुआ भी प्रोसेस हो गया है, मादिरा भी प्रोसेस हो गया है, और धान भी प्रोसेस हो गए हैं। देखिए ये दीदी लोगों का खेत है, पूरा खेत ना इस तरह से ना पहुंच गया है, कितना अच्छा लग रहा है पूरा खेत, ये रुपाई वाला खेत है। तो आज की वीडियो ना थोड़ी बहुत लंबी हो गई है शायद, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और मिलती हूँ आप सभी को जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है ना तो लोग फुल वॉच भी नहीं कर पाते हैं और बोर भी हो जाते हैं। तो मिलती हूँ जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तो फटाफट से जाती हूँ घर में, घर का काम करती हूँ, घर में खाना वाना ही बनाएंगे अब, उसके बाद थोड़ी बहुत आराम करेंगे, फिर शाम का ही टाइम हो जाता है। तो इस वीडियो को यहीं पर तक रखती हूँ। जय देवी उत्तराखंड, पहला।